शिवसेना वर्सेस शिवसेना केस यानी कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे फैक्शन के बीच चल रहे लीगल डिस्प्यूट से सभी वाकिफ है। असली शिवसेना कौन है इस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। 2022 में एकनाथ शिंदे ने एज अ रिबेलियन बनकर महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया था, जिसके बाद दोनों शिंदे और ठाकरे फैक्शन ने एक दूसरे के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर एक्शन की मांग की थी। ये पॉलिटिकल लीगल डिस्प्यूट काफी लंबा और सीरियस था क्योंकि इसमें कई पॉलिटिकल डिसीजंस और लीगल क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया था। फरवरी 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल ये रूल किया था दैट इट कैन नॉट रिस्टोर द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट एज देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन विदाउट फेसिंग द फ्लोर टेस्ट। कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर द्वारा एकनाथ शिंदे की ओथ को एडमिनिस्टर करना एज चीफ मिनिस्टर विद सपोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी जस्टिफाइड था। साथ ही टॉप कोर्ट ने असेंबली स्पीकर से डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को भी डिसाइड करने को कहा था, स्टेटिंग दैट नार्वेकर मस्ट रिलाय अपॉन द पार्टीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल कमिंग टू अ कंक्लूजन। इस जजमेंट के बाद महाराष्ट्र स्पीकर को डिसाइड करना था कि इन दोनों में से कौन रियल शिवसेना है, जिसके लिए स्पीकर को सबसे पहले शिवसेना कॉन्स्टिट्यूशन में देखना था। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में ये रिकॉग्नाइज किया था दैट द 1999 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेना इन विच कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द पार्टी चीफ वॉज रिमूव्ड। हालांकि ठाकरे फैक्शन की सेना ने क्लेम किया था कि पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन 2018 में अमेंड हुई थी पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पार्टी चीफ अगेन, पर वहीं इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि उनके सामने अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आने के इतने लंबे समय के बाद महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर ने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस पर अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस कर दिया है। वर्डिक्ट में क्या कहा गया है ये तो हम आगे इस वीडियो में जरूर जानेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देते हुए बता दूं कि कुछ सोर्सेज का कहना है दैट द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर इन द केस विल हैव नो बेयरिंग ऑन द डिसीजन। और इसके अलावा वर्डिक्ट प्रोनाउंस करने के कुछ मिनट्स पहले नार्वेकर ने सीनियर लॉयर्स के साथ एक डिस्कशन भी होल्ड की थी। अब ये याद रखते हुए कि शिवसेना स्प्लिट के बाद द शिंदे फैक्शन हैज 40 MLAs एंड 13 MPs व्हाइल द उद्धव फैक्शन हैज 16 MLAs एंड 6 MPs। आइए आपको वर्डिक्ट की ओर ले चलते हैं और वर्डिक्ट के पूरे कंटेंट के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार की शाम अपना फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया उन्हें गाइड करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके पास दो इश्यूज थे, हु इज रियल शिवसेना एंड हु इज चीफ व्हिप। डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज पर्टेनिंग टू द शिवसेना MLAs पर वर्डिक्ट को रीड आउट करते हुए स्पीकर ने कहा कि 2018 में हुई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंट में नहीं लिया जा सकता। ही सेड द लास्ट रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर द राइवल ग्रुप्स एमर्ज्ड वाज ऑफ 1999। आई होल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शिवसेना पार्टी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्पीकर इज रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शिवसेना टू डिसाइड विच इज पॉलिटिकल पार्टी। और यही कहते हुए उन्होंने हेल्ड किया है कि एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन वॉज द रियल शिवसेना व्हेन द राइवल फैक्शन एमर्ज्ड विद इन द पार्टी ऑन June 22, 2022। साथ ही उन्होंने दोनों फैक्शन से किसी भी मेंबर को डिस्क्वालिफाई करने से मना कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में दोनों फैक्शन की तरफ से स्पीकर के सामने 34 पिटीशंस अगेंस्ट ईच अदर फाइल की गई थी सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 54 MLAs इन टोटल। उद्धव ठाकरे फैक्शन ने ये सबमिट किया था दैट द डिसीजन ऑफ द पक्ष प्रमुख इज सिनोनिमस विद द विल ऑफ द पार्टी, सो इफ देयर इज अ रिफ्ट इन द लीडरशिप स्ट्रक्चर द डिसीजन ऑफ द पक्ष प्रमुख कॉन्स्टिट्यूट्स द विल ऑफ द पार्टी। इससे डिसएग्री करते हुए स्पीकर ने वर्डिक्ट में ये कहा है कि शिंदे फैक्शन के पास 37 और 55 MLAs की मेजोरिटी थी जब राइवल फैक्शन इमर्ज हुई। यही नहीं, शिंदे को वैलिडली पार्टी का लीडर अपॉइंट किया गया था। स्पीकर ने होल्ड किया कि उस वक्त द विल ऑफ द पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव कैन नॉट बी सेट टू बी द विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए स्पीकर ने 1999 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी पर रिलाय किया जिसने पार्टी चीफ के हाथ से पावर को डाइल्यूट कर दिया था। उन्होंने रिवील किया कि 2018 कॉन्स्टिट्यूशन जिसने पार्टी चीफ के हाथ में पावर को कॉन्सेंट्रेट किया था वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं थी और इसलिए उसे अकाउंट में नहीं लिया गया। ही एडेड दैट द उद्धव ठाकरे हैड नो पावर टू रिमूव एकनाथ शिंदे एज द पार्टी लीडर। उद्धव की तरफ से फाइल की गई पिटीशन टू डिस्क्वालिफाई 40 मेंबर्स ऑफ एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन पर रिफ्यूज करते हुए स्पीकर ने ये रीजन दिया कि सुनील प्रभु हैड सीज टू बी द अथोराइज्ड व्हिप ऑफ द पार्टी ऑन June 21 एंड हैड नो अथॉरिटी टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द पार्टी, इसीलिए MLAs को डिस्क्वालिफाई नहीं किया जा सकता
व्हिप को वॉयलेट करने के लिए। स्पीकर ने ये क्लेरिफाई किया कि मेंबर्स द्वारा मीटिंग को अटेंड ना करने का एक्ट पार्टी के अंदर डिसेंट टर्म किया जा सकता है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से प्रोटेक्टेड है। और इसी तरह शिंदे फैक्शन की काउंटर पिटीशन टू डिस्क्वालीफाई यूबीटी फैक्शन एमपीज पर बोलते हुए स्पीकर सेड, सबमिशंस बाय शिंदे फैक्शन दैट लेजिस्लेटर्स फ्रॉम यूबीटी फैक्शंस वर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन द ग्राउंड्स that it is mere allegation and assertion that they had voluntarily given up memberships of the party. No material was given to substantiate. Though the petitions tried to show that whip was served upon the respondent, the petitioner has failed to prove the service. There are major inconsistencies in the answer of the service of the whip. Thus, the submissions for disqualification of UBT members also cannot be accepted. अपने verdict में speaker ने declare किया है कि भरत गोगावले को validly whip appoint किया गया है। Supreme Court ने initially इन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 31 दिसंबर 2023 तक डिसाइड करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में ये डेडलाइन 10 जनवरी 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया था जब स्पीकर इन पिटीशंस पर डिले शो कर रहे थे, ऑब्जर्विंग द डिग्निटी ऑफ दिस कोर्ट्स जजमेंट शुड बी मेंटेन। 10 जनवरी 2024 को अब जब ये पिटीशंस डिसाइड हो चुकी हैं और एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना मानते हुए स्पीकर ने दोनों फैक्शंस की तरफ से फाइल की गई पिटीशंस पर वर्डिक्ट दे दिया है, क्या आपको लगता है कि इससे दोनों फैक्शंस खुश होंगे? तो एक तरफ जहां शिंदे फैक्शन के वर्कर्स के बीच स्पीकर की इस रूलिंग का सेलिब्रेशन देखने को मिला, वहीं यूबीटी लीडर्स ने इसे कॉन्स्पिरेसी और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया है। वर्डिक्ट आने के बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स मेजरली फ्रॉम यूबीटी फैक्शन कांग्रेस इन्हें कहते हुए सुना जा रहा है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल टर्म किया था उसे इस वर्डिक्ट ने लीगल बना दिया है। ये एकदम अनडेमोक्रेटिक है और ये वर्डिक्ट लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल है। संजय रॉट सेड, इट वॉज बीजेपी'स ड्रीम टू फिनिश बन्ना साहिब शिवसेना, बट बीजेपी कैन नेवर डू दैट। टुडेज वर्डिक्ट इज नॉट अ जजमेंट बट अ कॉन्स्पिरेसी। आदित्य ठाकरे ने भी इस डिसीजन को शेमलेस और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी टर्म करते हुए ऐड किया है कि ये इंडिकेट करता है कि कैसे बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। वर्डिक्ट के इमीडिएटली बाद उद्धव ठाकरे को कहते हुए सुना गया कि स्पीकर ने डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया है और अब उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी। ही सेड, वी रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू क्लियर दिस मैटर बिफोर इलेक्शंस। वी वांट टू स्ट्रेस दैट द शिवसेना विल नॉट एंड, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट शिंदे'स सेना। द ऑर्डर वॉज प्री डिसाइडेड एंड इट वॉज क्लियर व्हेन द स्पीकर एंड द चीफ मिनिस्टर मेट। उद्धव फर्दर सेड दैट द स्पीकर बाय होल्डिंग भरत गोगवाले एज द वैलिड व्हिप ऑफ द शिवसेना हैज डिसरिस्पेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट। हु इज द स्पीकर टू डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर पार्टी? इफ शिंदे थिंक्स दैट ही एंडेड फैमिली रूल, हिज स्लेवरी हैज बिगन। हम जानते हैं कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वर्डिक्ट के आने से पहले यानी कि 9 जनवरी को उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था और स्पीकर राहुल नरवेकर की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से रीसेंट विजिट को ऑब्जेक्ट किया था। उद्धव ने अपने एफिडेविट में ये कहा था दैट सिंस द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन टू द स्पीकर टू गिव अ जजमेंट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन केस, मिस्टर नरवेकर हैज मेट चीफ मिनिस्टर शिंदे ट्वाइस इन प्राइवेट। इट इज लाइक द जज मीटिंग द अक्यूज्ड। इफ ही इज डूइंग दैट then there is a serious question over the kind of justice we can expect. The speaker met Mr. Shinde on January 7. पर इन्हें बस allegations बताते हुए speaker ने clarify किया था कि chief minister के साथ उनकी meeting पहले से scheduled थी and added, I am going to take a decision by which the people of the state will get justice. अब ये decision state के लोगों के लिए कितना just है इसका तो हम नहीं जानते, but ये जरूर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ये रिफ देखने को मिल सकती है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स विद द लॉ चक्रा।